नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो आज पूरा देश नरेंद्र मोदी की तरफ नजरें टिकाए हुए हैं, निगाहें टिकाए हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं आज के दिन। और मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चा तेज है कि कौन कौन जो है मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, बिहार से 8 सांसद जो है वो मंत्री बनेंगे। जेडीयू सांसद अलन सिंह मंत्री बनेंगे, रामनाथ ठाकुर भी मंत्री बनेंगे, गिरिराज सिंह भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, नित्यानंद राय भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और इसी कड़ी में देखिए, राजभूषण निषाद का भी नाम है। बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे भी मंत्री बनाए जाएंगे। और बता दें, हम संरक्षक जीतन राम मांझी भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। इधर LJPR अध्यक्ष चिराग पासवान भी मंत्री बनेंगे और झारखंड से 2 सांसद जो है वो मंत्री बनाए जाएंगे। बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी मंत्री बनेंगी और रांची से सांसद संजय सेठ मंत्री बनेंगे। तो देखिए, बीजेपी आपको बता दें कि बिहार से जो है इस बार मोदी मंत्रिमंडल में 8 लोगों का नाम है और झारखंड से 2 का नाम अभी सामने आया है। तो धीरे धीरे करके मंत्रिमंडल के जो नाम है, मंत्रिमंडल की तस्वीरें भी साफ हो रही है धीरे धीरे करके। अब देखिए, 4 घंटा 45 मिनट का अब जो है समय जो है रह गया है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है इस वक्त 7:15 पर। और ऐसे में उससे पहले मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो रहे हैं, किन किन को निमंत्रण भेजा गया, कौन कौन लोग शपथ लेने जा रहे हैं मंत्री पद की, इसको लेकर के चर्चाएं काफी ज्यादा तेज है। तो अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में देखिए 8 सांसद ऐसे हैं जो कि मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें से आपको बता देते नाम किन किन का सामने आया है। जेडीयू सांसद ललन सिंह मंत्री बनाए जाएंगे, रामनाथ ठाकुर जेडीयू के मंत्री हैं, काफी भरोसेमंद भी हैं, ये भी मंत्री बनाए जाएंगे। और बीजेपी के गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और राजभूषण निषाद जो है मंत्री बनाए जाएंगे। बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे का भी नाम सामने आया है, ये भी मंत्री बनाए जाएंगे। और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि चिराग पासवान भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बता दें आपको कि लोजपा रामविलास की पार्टी जो है 5 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ी थी और 5 सीट पर जीत दर्ज की थी। 100% स्ट्राइक रहा था चुनाव में। और अगर बात की जाए झारखंड की, तो देखिए झारखंड में 2 सांसद ऐसे हैं जो कि मंत्री बनाए जाएंगे। तो मंत्री बनने के रेस में 2 नाम सामने आया है, अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी जो है सांसद हैं और ये मंत्री बनाई जाएंगी। रांची से सांसद है संजय सेठ जो कि मंत्री बनाए जाएंगे। और टीवी स्क्रीन पर अगर आप नजर बनाए रखेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे, एक तरफ देखिए एक एक करके वो चेहरे जिनके बारे में आपको बता रहे हैं, संभावित मंत्री का जो नाम है, वो कितने ज्यादा भरोसेमंद हैं और आखिर कौन कौन है। इस कड़ी में अगर बात कर ली जाए नित्यानंद राय की, तो देखिए गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं, अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं नित्यानंद राय, इस बार मंत्री बनाए जा रहे हैं। नित्यानंद राय यादव जो है वो यादव जाति से आते हैं। और देखिए उजियारपुर से ये तीसरी बार सांसद बने हैं नित्यानंद राय, और काफी तेज तरार, काफी एक्टिव नेता हैं। बता दें आपको कि नित्यानंद राय जो है वो गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं, यानी कि मोदी कैबिनेट में पहले भी रह चुके हैं और काफी करीबी भी माने जाते हैं अमित शाह के, काफी भरोसेमंद भी हैं बीजेपी के। बात कर ली जाए अगर ललन सिंह की, तो ललन सिंह देखिए भूमिहार समाज से आते हैं और जेडीयू के काफी कद्दावर नेता हैं, नीतीश के काफी भरोसेमंद भी माने जाते हैं। ललन सिंह 4थी बार सांसद बने हैं मुंगेर लोकसभा सीट से। और आपको बता दें कि इस बार ऐसा लग रहा है जो नाम सामने आए हैं, धीरे धीरे जो तस्वीरें साफ हो रही हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में किन किन का नाम है, तो ऐसे में देखिए लग रहा है कि खासतौर पर कौन कौन से देखिए, उजियारपुर से आपको बता दें नित्यानंद राय जो कि सांसद हैं और वो उनको जगह मिल रही है इस बार मोदी मंत्रिमंडल में। और आपको बता दें अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं नित्यानंद राय। अब देखिए रामनाथ ठाकुर की बात की जाए, तो रामनाथ ठाकुर जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे भी हैं। रामनाथ ठाकुर काफी करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, काफी भरोसेमंद भी हैं। रामनाथ ठाकुर जेडीयू में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाते हैं रामनाथ ठाकुर, लालू और नीतीश के सरकार में मंत्री रहे हैं। बात कर ली जाए चिराग पासवान की, तो देखिए चिराग जो है LJPR यानी कि लोजपा रामविलास के नेता हैं, लगातार 3री बार सांसद बने हैं। और आपको बता दें रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, काफी गद्दावर नेता माने जा रहे हैं, खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान भी बताते हैं चिराग पासवान। काफी अच्छा इस बार चुनाव में प्रदर्शन भी रहा, चिराग की पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है 100% रहा, यानी कि 100% रहा। 5 सीटों पर ये पार्टी लोजपा रामविलास ने चुनाव लड़ा और 5 की 5 सीट पर
जीत भी दर्ज की। लगातार तीसरी बार सांसद बने। बात कर ली जाए जीतन राम मांझी की, तो देखिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक हैं जीतन राम मांझी, गया से पहली बार हम के सांसद बने हैं। और आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जीतन राम मांझी थोड़े समय के लिए। और देखिए मांझी जो है वो महादलित समाज से आते हैं और इनकी पकड़ है काफी, अलग अलग सरकार में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं जीतन राम मांझी। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर आप नजर बनाए रखिए और आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग जो चेहरे हैं उनके बारे में आप जान पाएंगे। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के बारे में हमने आपको बताया, 100% स्ट्राइक रहा इस बार चुनाव में इनकी पार्टी का, पांचों की पांचों सीट पर जीत दर्ज की चिराग पासवान ने। और आपको बता दें कि चुनाव से पहले भी काफी मेहनत की इन्होंने। देखिए गिरिराज सिंह की बात कर ली जाए तो गिरिराज सिंह जो है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। गिरिराज सिंह 2014 से सांसद हैं और भूमिहार जाति से आते हैं गिरिराज सिंह। इनका भी नाम शामिल है मोदी मंत्रिमंडल में, लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। और आपको बता दें कि बेगूसराय से दूसरी बार लगातार जीते हैं और काफी भरोसेमंद भी हैं। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद राजभूषण निषाद हैं। देखिए ये भी काफी ज्यादा, बता दें आपको निषाद समाज में इनकी अच्छी पकड़ है, काफी भरोसेमंद हैं। 2019 में वीआईपी के टिकट पर ये चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार देखिए बीजेपी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा। 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए थे, इसके बाद इनको टिकट मिली यहाँ से और बीजेपी में बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। बता दें आपको कि मुजफ्फरपुर से बीजेपी के इस बार सांसद बने हैं। और अब बात करें सतीश चंद्र दुबे की, देखिए अक्टूबर 2019 में बीजेपी से राज्यसभा पहुंचे। उत्तर बिहार में ब्राह्मण का बड़ा चेहरा माने जाते हैं और 2005 और 2010 में विधायक रहे, 2014 में सांसद रहे, 2014 में वाल्मीकि नगर से सांसद बने थे। और आपको बता दें चनपटिया नरकटियागंज से विधायक रहे। अब देखिए अन्नपूर्णा देवी की बात कर ली जाए, अन्नपूर्णा देवी जो है वो किसान परिवार से आती हैं, दुमका से अपनी शुरुआत की थी पढ़ाई की और अभी फिलहाल कोडरमा से ये सांसद हैं। बता दें रांची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन इन्होंने पूरी की और बताते चले आपको कि इस बार वो कोडरमा से जीती हैं। 1993 में आरजेडी नेता रमेश प्रसाद यादव से इन्होंने शादी की, शादी के 5 साल के बाद ही पति का निधन हो गया। और रांची, बता दें आपको कि राजनीति में काफ़ी एक्टिव हो गई है, पति के निधन के बाद ही ये राजनीति में उतरी और काफ़ी एक्टिव रही। बता दें आपको कि इस बार कोडरमा से सांसद बनी है, जीत इनकी हुई है। संजय सेठ को जानिए, 2005 में सियासी सफर की इन्होंने शुरुआत की, 2019 में रांची से पहली बार सांसद बने संजय सेठ। अब बीजेपी के काफी भरोसेमंद ये चेहरा है संजय सेठ, जो कि रांची से सांसद बने हैं। 2024 में भी दूसरी बार रांची से सांसद चुने गए हैं, इससे पहले भी रांची से सांसद चुने गए थे 2019 में भी। अब देखिए झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं संजय सेठ, काफी भरोसेमंद भी हैं, काफी भरोसेमंद चेहरा और काफी करीब भी नरेंद्र मोदी के। 2005 में इन्होंने सियासी सफर की शुरुआत की और इस बार इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसको लेकर के एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने 10 सालों में विकास किया है और आगे भी करता रहेगा। पिछले 10 सालों से ये देश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, खासतौर पर हम जैसे युवा सांसदों को उनके अनुभव से सीखने की बहुत जरूरत है। उन्हीं का अनुभव का आज लाभ लेने हम लोग वहां गए थे। प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को बताई, जो हम लोग लिए सीखनी भी जरूरी हैं। आज बहुत इनफॉर्मल बातचीत प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर हुई। तो देखिए नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और शपथ से पहले पीएम आवास पर बैठक हुई संभावित मंत्रियों के साथ। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने बैठक की और आपको बताते चले कि नए मंत्रियों के साथ में चाय पर चर्चा की गई, उनको चाय पर बुलाया गया था। शपथ से पहले नए मंत्रियों के साथ ये बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। नए मंत्रियों के साथ बैठक खत्म होने के बाद अब नाम जो है वो अब सामने आने लगे। बता दें आपको कि नरेंद्र मोदी ने बैठक में नए मंत्रियों से कहा है कि शपथ के बाद सभी लोग काम में जुट जाएं, क्योंकि आगे और भी मेहनत से काम करना है। तो देखिए चाय पर मुलाकात हुई और नई सरकार की तस्वीर जो है वो साफ होती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं काफी एकजुटता देखने को मिल रही है इन सभी नेताओं में। ये सभी चुने गए सांसद हैं जो कि अब इनमें से कुछ लोग मंत्री बनाए जाएंगे। और आपको बता दें कि
नरेंद्र मोदी ने पहले ही उनको कह दिया है कि शपथ ग्रहण के बाद सभी लोग अपने अपने काम में जुट जाएं, यानी कि और भी मेहनत से काम करना है। और जैसे ही 3.0 मोदी 3.0 की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि तीसरे टर्म की कार्यकाल की जब शुरुआत होगी तो और मेहनत से काम करना है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, आज शाम मोदी कैबिनेट की शपथ होनी है, संभावित मंत्रियों के साथ में एक बैठक जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और इस बैठक को चाय पर चर्चा भी आप कह सकते हैं। चाय पर चर्चा के लिए यहाँ पर बुलाया गया मुलाकात बेसिकली, और इस दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शपथ ग्रहण के बाद क्या कुछ करना है, किस तरीके से काम करना है। एक तरीके से कहें तो मंत्री यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने उन लोगों से कहा है कि आगे किस तरीके से काम करना है। मोदी ने देखिए 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा की है। बैठक में 5 साल के रोडमैप पर चर्चा की गई, मंत्रियों को रोडमैप लागू करने का निर्देश दिया गया, 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया। बैठक में पीएम ने रोडमैप पर चर्चा की कि आगे किस तरीके से काम करना है। तो 100 दिनों के एजेंडे पर चर्चा की गई, और बता दें आपको कि चुनाव से पहले भी लगातार नरेंद्र मोदी कहते आ रहे थे कि चुनाव इस बार अगर जीतते हैं तो तीसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही अगले 100 दिनों तक क्या कुछ काम करना है, और 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है उसे कैसे पूरा करना है, इस बात को लेकर के चर्चा की गई। नरेंद्र मोदी आज शाम को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, और उससे पहले उन्होंने अपने दिल्ली आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की। देखिए टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आज शाम मोदी कैबिनेट की शपथ, और आपको बता दें संभावित मंत्रियों के साथ बैठक, दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और आप ये जो चेहरे आप देख पा रहे होंगे ये काफी भरोसेमंद चेहरे हैं नरेंद्र मोदी के, और इस नरेंद्र मोदी की जो पूरी टीम है वो काफी भरोसेमंद मानी जाती है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तीसरी बार पीएम मोदी के शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बताया है। बता दें आपको कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम मोदी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे, साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि मंत्रिमंडल में जगह को लेकर के कोई दबाव नहीं है। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आज सर सभी उन लोगों को पीएम ने चाय पर बुलाया जो मंत्री होने वाले हैं? निश्चित तौर पर हर बार सरकार शपथ के पहले बुलाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और आज वो परंपरा तीसरी बार, ये ऐतिहासिक क्षण पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है, और एनडीए गठबंधन के हर कार्यकर्ता कहीं न कहीं उत्साहित है। उनको लग रहा है कि इतने भरम, इतने नकारात्मक वातावरण, झूठ का बाजार सजाने वाले लोग आज लज्जित हैं, क्योंकि आज फिर से देश की जनता का जनादेश नरेंद्र मोदी जी को। बिहार को लेकर जो रिप्रेजेंटेशन मिला है, जो मंत्री अब बनेंगे बिहार से, उस पर क्या कहना है आपका? पूरा बिहार गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री जी का स्नेह हमेशा रहा है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो स्नेह शुरू हुआ वो स्नेह आज भी बरकरार है, और बिहार के हमारे जो भी मंत्री बनेंगे वो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ विकसित भारत, विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करेंगे। आखिरी सवाल यह है कि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था कि रेल मंत्रालय मिलना चाहिए, कृषि मंत्रालय मिलना चाहिए, तो इस तरह की जो डिमांड है वो आपके सहयोगियों की तरफ से आ रही है, तो क्या लगता है कि प्रेशर टैक्टिक्स है क्या? ब्रेकिंग न्यूज सरकार नहीं चलाती है, प्रधानमंत्री जी ने कह चुके हैं, और जो ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए इस तरह की बात करते हैं उसमें कोई गंभीरता नहीं होती है। तो विजय सिन्हा जो कि बिहार निवास पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि बिहार को जो मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन मिला है पूरा बिहार इससे गौरवान्वित है। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ जावेद मंसूर, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो आज का दिन बेहद खास है, चूंकि आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, और आज के दिन जो है इतिहास बनने वाला है, इसको लेकर के पूरे देश दुनिया की नजरें जो हैं वो टिकी हुई है नरेंद्र मोदी पर। और बता दें आपको कि न्यूज 18 बिहार झारखंड भी लगातार सुबह से ही लाइव कवरेज भी आपको दिखा रहा है, तो बने रहेगा न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। फिलहाल यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
कावेरी इजी फास्ट है कलम बस 10 वर्षी के लिए और विशेष तौर से एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि गरीब लोगों के विकास के लिए सरकार को काम करना है, लोगों ने विकास के लिए मौका दिया है। पीपल आर फॉर डेवलपमेंट, वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज द ओनली वे द पॉवर्टी कैन बी टोटली एराडिकेटेड। विदाउट वेल्थ क्रिएशन देयर कैनॉट बी एनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। Without wealth distribution, the living standards of the poor people can never improve. So people have given a mandate for development. अमित शाह और जेपी नड्डा पीएम आवास पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू भी पहुंचे हुए हैं, जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। तो अमित शाह और जेपी नड्डा पीएम आवास पहुंचे हैं, पीएम आवास की हलचल तेज है। राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए इस बीच खबर की जेडीयू सांसद के तौर पर भी जो खबर सामने आ रही है कि रामनाथ ठाकुर बन सकते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पीएम आवास पहुंचे हुए हैं, मनोहर लाल खट्टर भी पीएम आवास पहुंचे हुए हैं। तो ये वो चेहरे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी पीएम आवास पहुंचे हैं और ये वो चेहरे जो इस बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। निर्मला सीतारमण भी पीएम आवास पहुंची हुई है और विनीत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। विनीत, पीएम आवास की हलचल बढ़ी है, कौन कौन से नेता अब तक पहुंचे हैं? विनीत, आवाज आप तक पहुंच रही है, ये वो चेहरे हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बुलाया है, जो संभावित तौर पर मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, कौन कौन से नेताओं का पहुंचना वहां पर शुरू हुआ है, कौन से नेता पहुंचे हैं? आज ये निश्चित तौर पर अगर हम बिहार के नेताओं की बात करें तो साफ तौर पर ललन सिंह जो है वो यहां पर पहुंच गए हैं, रामनाथ ठाकुर यहां पर पहुंच गए हैं, जीतन राम मांझी पहुंच गए हैं, चिराग पासवान जो है वो पहुंच गए हैं, गिरिराज सिंह जो है वो पहुंच गए हैं। तो साफ तौर पर ये जो बड़े नाम है ये यहां पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, भारत वर्ष को विश्व गुरु का गौरव दिलाने पीएम मोदी की तीसरी शपथ आज शाम 6 बजे सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। हर भारतीय देखेगा अपनी भाषा में। पी के अन्य नेताओं की बात करें तो यहां पर जो है राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, अमित शाह पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें मोदी वे मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, ये जोयल उड़ाव के जो है वो उड़ीसा से आते हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ हरदीप पुरी जो है वो यहां पर पहुंच गए हैं, मनसुख मांडविया का नाम भी आ रहा है, वो भी यहां पर पहुंच गए। तो अन्नपूर्णा देवी अगर हम झारखंड से बात करें तो पिछले बार भी वो मंत्री रही थी, मोदी 2.0 में भी मंत्री रही थी अन्नपूर्णा देवी, वो यहां पर पहुंच गई हैं। तो तमाम जो बड़े नाम हैं वो यहां पर पहुंच गए हैं और यह इस वक्त जो है वो चर्चा हो रही है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बिहार से बात करें तो ललन सिंह का नाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, वो यहां पर भी बैठक में पहुंचे हुए, जेडीयू से हैं। अब यह माना जा रहा है कि 2 सीट जो है वो जेडीयू को दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ चिराग पासवान भी जो है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो उनकी पार्टी से 5 जो है वो सांसद हैं और 1 कैबिनेट बर्थ जो है वो चिराग पासवान को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बिहार के जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। वो पिछली बार भी मोदी के पहले कार्यकाल में भी मंत्री थे, दूसरे कार्यकाल में भी मंत्री थे और मोदी के सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी मंत्री जो हैं वो गिरिराज सिंह बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी का भी नाम आता है, वो हम से हैं, उन्होंने मुलाकात की थी, आज सुबह भी उन्होंने गृह मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उसके बाद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो भी इस बैठक में आ रहे थे और हमने भी उनको देखा कि वो प्रधानमंत्री आवास जो है वो यहाँ पर चले गए थे। झारखंड से एक नाम आ रहा है अन्नपूर्णा देवी का, काफी महत्वपूर्ण नाम है,
पिछली बार भी वो मंत्री थी, एचआरडी मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय में वो एमओएस थी और वो यहाँ पर पहुंच गई। तो तमाम लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चाय पर चर्चा जो है वो करेंगे, तो मोदी सरकार 3.0 का विजन जो है वो यहाँ पर देंगे कि आखिरकार मोदी सरकार 3.0 में किस तरह से काम करेगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जीत के बाद बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय आए थे, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनकी सरकार जो है वो विकास के कामकाज को जो है वो आगे बढ़ाती रहेगी, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना है उसको आगे बढ़ाती रहेगी। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनाव प्रचार में लगातार कहते रहे थे कि वे उनके तीसरे कार्यकाल में जो है भारत जो है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाएगी, तो इसी एजेंडे को वो आगे बढ़ाएंगे और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे बनाया जाए इसको लेकर के, विकास को लेकर के ये चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने तमाम जो घटक सहयोगी हैं जिनके साथ वो आज शाम को शपथ लेंगे उनके साथ में करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती किस तरह से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए, साथ ही साथ अगर हम बात करें करप्शन फ्री सरकार की जो बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। विनीत, एक और कंफर्मेशन हम थोड़ा चाहेंगे, गिरिराज सिंह पहुंचे हैं बीजेपी की तरफ से, क्या बीजेपी की तरफ से कोई और भी नेता अब तक पीएम आवास पहुंचे हैं? क्योंकि ये तो सिर्फ एक सीट की नजर आती है लेकिन माना जा रहा है कि 2-3 सीटें बीजेपी अपने पास रखेगी बिहार से, तो क्या कोई और चेहरा नजर नहीं आता? जी हालांकि अगर हम बात करें गिरिराज सिंह जो है वो पहुंच गए हैं लेकिन बहुत संभव है कि कुछ और चेहरे और कुछ और नाम जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे होंगे। वो तस्वीरें धीरे धीरे साफ होगी जब हम उन्हें या तो निकलते हुए देखें या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जब बैठक की तस्वीरें जो है वो रिलीज की जाएगी उस वक्त भी कुछ बड़े नाम जो है वो आ सकते हैं। निश्चित तौर पर बिहार से बीजेपी के और भी कुछ चेहरे हो सकते हैं क्योंकि अगर हम बात करें गठबंधन की बात करें तो 4 जो बर्थ है वो गठबंधन को दे दिया गया है, कैबिनेट में 4 लोग चाहे वो जेडीयू के 2 को 2 दिया गया है, इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी को 1 दिया गया है, चिराग पासवान को 1 दिया गया है। तो साफ तौर पर निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बिहार से गिरिराज सिंह के अलावा और भी प्रतिनिधित्व हो सकता है। अगर हम बात करें तो हालांकि कंफर्म नहीं है, नित्यानंद राय को भी जिस तरह से हमने देखा चुनाव प्रचार में अमित शाह साफ तौर पर कह रहे थे कि उन्हें कैबिनेट का बर्थ जो है वो दिया जा सकता है, तो बहुत संभव है। हालांकि इसकी पुष्टि जो है वो हम बाद में आने वाले समय में करेंगे कि आखिरकार नित्यानंद राय जो है वो मौजूद है या नहीं है। निश्चित तौर पर उनको भी मंत्रालय जो है वो दिया जा सकता है। अब यह देखने वाली बात है कि और कौन कौन से लोग जो है वो शामिल होते हैं, जब प्रधानमंत्री कार्यालय से इसको लेकर के वीडियो जो है वो रिलीज किया जाएगा या फिर वो यहां से जब निकलेंगे तब हम इस चीज को कंफर्म करेंगे कि आखिरकार बिहार से बीजेपी के और कौन से नेता जो है वो शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिरिराज सिंह जो है वो यहां पर आ चुके हैं, साथ ही साथ अनुपूर्णा देवी का भी नाम आ रहा है जेडीयू, वो अनुपूर्णा देवी जो है झारखंड से आती हैं, बीजेपी कोटे से भी 2019 से वो मंत्री थी और इस बार भी वो मंत्री बन सकती हैं। जी चलिए, बिल्कुल, जीतन राम मांझी को लेकर के क्या कुछ अंदर खाने से खबर सामने आई है कि उनको क्या केंद्रीय मंत्री बनाया? रखे सांसों को फुल फ्रेश, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, कुछ ऐसी बातें भी चर्चाएं चल रही थी। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी महामनवल और हम कह सकते हैं काफी मोल भाव, जो इसको हम कह सकते हैं राजनीति में मोल भाव का भी काफी महत्व है। हालांकि शुरुआती समय में यह बात आ रही थी कि जीतन राम मांझी को जो एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज का जो है वो पोस्ट दिया गया था, लेकिन जिस प्रकार से जीतन राम मांझी का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से उनका कद है वो काफी लंबे समय से जो है वो बिल्कुल, तो अपनी अपनी डिमांड है और इस पूरी हलचल पर आप नजर बना करके रखिए, अपडेट आगे भी लगातार लेते रहेंगे और इस पूरी खबर पर दिनभर हमारी जो नजर है वो बनी हुई। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आएंगे। तो देखिए, वही शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का जोरदार स्वागत किया, जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में जेडीयू के नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो ये तस्वीर है। और नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है कि इस बार कितना बड़ा कद लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव में सबके सामने आए हैं, ये पूरा देश देख रहा है और एक कह सकते हैं कि बड़ी भागीदारी इस बार बिहार से इस मोदी सरकार में, जो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नीतीश कुमार को लेकर के बधाइयों का तांता लगा हुआ है, उनके समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं।
तो नरेंद्र मोदी आज पीएम के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए एनडीए के तमाम एमएलए, एमएलसी और मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बिहार से भी तमाम जो लोग हैं वो यहां से रवाना हो रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू हो, नीतीश मिश्रा हो और तमाम जो एमएलसी एमएलए हैं उन सभी को वहां पर निमंत्रण मिला है और तमाम लोग वहां जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। कुछ देर पहले जहां मंत्री नीरज बबलू रवाना हुए, वहीं मंत्री नीतीश मिश्रा भी रवाना हुए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा समारोह है, शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके साथ साथ जो बिहार के तमाम एमएलसी एमएलए हैं उनको भी बुलाया गया है और लगातार जो बिहार के एमएलसी एमएलए हैं और जो मंत्री हैं जो कि नहीं जा पाए हैं वो तमाम लोग यहां से लगातार निकल रहे हैं। तो कहा जाए कि एक बड़ा ही शपथ ग्रहण समारोह एक बड़ा समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ लेंगे और ये दूसरी बार है, देश में दूसरा बार है जब कोई व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ले रहा है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और कहीं ना कहीं जो एनडीए के लोग हैं, जो नेता हैं, वो काफ़ी इससे खुश हैं। नीरज बबलू ने भी कहा कि ये बड़ी गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और हम लोग उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। न्यूज़ के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। मंत्री नीरज बबलू ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर कहा कि आज हमारे लिए गर्व का दिन है, नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाएंगे, यह सबको भरोसा है। नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये निश्चित है कि देश हमारा काफ़ी आगे बढ़ेगा, देश हमारा खुशहाल होगा। और जो हम लोग नारा लगाया करते थे कि देश हमारा विश्वगुरु बनेगा, अब विश्वगुरु बनना तय है क्योंकि आर्थिक स्थिति में हम मजबूत होने जा रहे हैं, पाँचवीं जगह से हम तीसरी जगह पर आने जा रहे हैं। तो ये पूरा भरोसा देश को है कि नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाएंगे, पूरे देश में उत्साह का माहौल। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बिहार के एमएलसी और एमएलए भी दिल्ली जा रहे हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, एनडीए के लिए यह बड़ा दिन है। देखिए, बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि और तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेना ये साधारण बात नहीं है और ये आज़ादी के बाद दूसरी बार ये अवसर मिला है और हम सब के लिए, सभी भारतवासी के लिए और विशेष तौर से एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि गरीब लोगों के विकास के लिए सरकार को काम करना है, लोगों ने विकास के लिए मौका दिया है। पीपल आर फॉर डेवलपमेंट, वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज द ओनली वे द पॉवर्टी कैन बी टोटली एराडिकेटेड। विदाउट वेल्थ क्रिएशन देयर कैन नॉट बी एनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन।